यूपी में उपचुनाव से पहले तूफान, डिंपल अखिलेश का कैसा बयान, 10 सीटों के लिए लड़ाई भयंकर, यूपी उपचुनाव पर सियासी बवंडर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। योगी से लेकर अखिलेश यादव तक जीत के दावे ठोक रहे हैं। इस बार जहां 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो दूसरी ओर लोकसभा के बाद INDIA अलायंस या फिर NDA, इनकी साख भी दांव पर है। अगर लोकसभा की तरफ परिणाम दिखा तो यह बीजेपी के लिए भयंकर बुरी खबर होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की हैं और कई सालों बाद समाजवादी पार्टी का यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी दिखा था। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव और डिंपल दोनों ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया है। डिंपल ने तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर इस सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जिन्होंने मैनपुरी में बुलडोजर चलाया उनको जनता सबक सिखाएगी। सुनिए। हाँ, मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ। कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने, और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब देखिए, उपचुनाव जनता PDA को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन PDA की बड़ी जीत होगी। भैया, मैं समझती हूँ, जो लोग जब रोड शो हुआ था, जब चुनाव चल रहे थे और मैनपुरी में बुलडोजर लेके आए और बुलडोजर प्रदर्शन किया, और मैनपुरी के सभी लोगों ने एक मत होके इन बुलडोजर वालों को सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि ये बुलडोजर केवल हीन भावना का प्रयोग करने के लिए करते हैं, हीन भावना के साथ लोगों पे प्रयोग करते हैं उनका दमन करने के लिए। और मैं समझती हूँ आज सब लोग ये जान गए हैं कि इनकी ये जो राजनीति है, जो देश को तोड़ने की राजनीति है, विभाजन करने की राजनीति है, आपस में सीमाएं बांधने की राजनीति है, और जहां सीमाएं बनती है वहीं ना कहीं ये लोग डर घृणा को भी पैदा करने का काम करते हैं। तो इस नकारात्मक राजनीति को लोग नकारेंगे।